जी बिल्कुल, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर भी सामने आ रही है, जहां एक तरफ गणतंत्र दिवस का समारोह समापन की तरफ है, वहीं छुट्टी नहीं करवाएंगे नीतीश कुमार जी, 28 को काम करेंगे। बिहार की सियासत से बड़ी खबर है, बताइए प्रणय, बताइए। बिल्कुल, बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, 28 को नीतीश कुमार का शपथ समारोह होना है, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम होंगे। यानी देखिए, सत्ता बदलाव का फॉर्मूला तय हो गया दीपक जी, ये फिर यू टर्न ले लिया। कालिदास मार्ग पर कहा जाता है कि सड़क के ऊपर बहुत सारे यू टर्न है, तो नीतीश कुमार बार बार यू टर्न लेते रहते हैं। और एक बार लोकसभा चुनाव से पहले, पिछली बार भी उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले 2019 में यू टर्न लिया था, एक बार फिर लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार का यू टर्न कहां, तो पटना में शुरुआत हुई थी दीपक जी, उस इंडिया गठबंधन की उसकी बैठक थी, उसके सूत्रधार थे। मुझे 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 हंसी आ रही है कि विपक्ष को जो है कि सत्ताधारी दल वाले जो है नचा रहे हैं बिल्कुल। पहले दिन क्या होता है, ये हैट्रिक है, पहले दिन क्या हुआ, ममता बनर्जी ने बोला नहीं करूंगी भाई, अगले दिन उसी दिन क्या हुआ, पंजाब में कह दिया भगवंत मान ने नहीं करूंगा, तीसरे दिन नीतीश कुमार ने बम फोड़ दिया। अब जो आदमी सूत्रधार था विपक्षी एकता का, वही सत्ताधारी गठबंधन में शामिल हो गया है। बिल्कुल, तो ये क्या दर्शकों को जरा बड़ी खबर बता दें, बिहार के सियासी हलचल से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आ रही है, बीजेपी के साथ सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार, यानी अब आरजेडी का साथ छोड़कर, महागठबंधन का साथ छोड़कर एनडीए के अंदर शामिल होंगे नीतीश कुमार, जेडीयू एनडीए का हिस्सा बनेगी, यानी नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा 28 जनवरी को, नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा और इस नई सरकार में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि कहा जाता है बिहार में तो नीतीश कुमार, लेकिन बीजेपी के दो डिप्टी सीएम इस सरकार के अंदर शामिल होंगे, सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। बिहार की सियासी हलचल लगातार तेज हुए बीते दो दिनों से। प्रशांत जी, प्रशांत, मैं कल से आपको देख रहा हूँ, एक के बाद ब्रेकिंग न्यूज, एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज, मुझे लग रहा है कि आपने जो है सभी सूत्र अपने घोड़े दौड़ा रखे हैं। बहुत शानदार खबर है, अब मुझे बताइए क्या करने जा रहे हैं, ये हृदय परिवर्तन कैसे हुआ नीतीश कुमार का, बताइए। देखिए दीपक जी, सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि 28 तारीख की तारीख रखी गई है, जबकि नई सरकार का यहाँ पर शपथ ग्रहण होगा, नीतीश कुमार को फिर से शपथ दिलाई जाएगी मुख्यमंत्री के, और बीजेपी के तरफ से दो डिप्टी सीएम बनाने की बात कही गई है, ये जो सोर्स हमारे बता रहे हैं उसकी तरफ से ये खबर है। और आज 4 बजे शाम में बीजेपी की जो दिल्ली में बिहार के नेताओं के साथ बैठक है, उस बैठक में ये भी तय हो जाएगा कि बीजेपी की तरफ से और बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं जिसमें हम पार्टी भी शामिल हैं, उसके भी मंत्री होंगे, और कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अब जो स्थितियां सामने आई, आज जो गांधी मैदान की स्थिति सामने आई, उसके बाद ये क्लियर हो गया और रात ही ये फाइनल हो गया था कि नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हो रहे हैं और बीजेपी ने उनके लिए अपने दरवाजे खोल रखे हैं, और 28 तारीख को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। दीपक जी, प्रशांत, मैं एक बात और समझना चाहता हूं, क्या कारण है कि नीतीश कुमार का यह हृदय परिवर्तन हुआ, इसको भी आप अपने अपने पूरे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में समझाइए, कहां से शुरुआत हुई और कहां यह आके खत्म हुआ। देखिए दीपक जी, नीतीश कुमार के हृदय परिवर्तन के पीछे की जो पूरी कहानी है, यानी कह सकते हैं कि जो पूरी स्क्रिप्ट है, उसके पीछे लालू यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव ही हैं, क्योंकि सरकार के कामकाज में लगातार नीतीश कुमार के ऊपर दबाव बनाना, दखल देना और सीएम की कुर्सी तेजस्वी को सौंपने का जो दबाव था, इस दबाव को लेकर के नीतीश कुमार कहीं ना कहीं बेचैन हो रहे थे। साथ में जो इंडी गठबंधन ने जिस तरह से नीतीश कुमार को इग्नोर किया और इनके पूरे मेहनत को पानी फेर दिया, उसके बाद से नीतीश कुमार को लग गया कि बिहार में अगर उनको सर्वाइव करना है, बिहार की पॉलिटिक्स में रहना है, तो उनको एनडीए के साथ जाना होगा, और इसके लिए एक बड़े ही तरीके से जो लोकसभा राज्यसभा के जो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाया या अध्यक्ष पद में बदलाव हुआ, उसके बाद से ही कहीं ना कहीं इसके संकेत मिलने लगे थे कि कुछ बड़ा करना चाहते हैं और सारे जो सूत्र हैं वो अपने हाथ में रखना चाहते हैं नीतीश कुमार, लेकिन वो फोन जिसका जिक्र किया जा रहा था, वो फोन तो आया या नहीं आया? देखिए, सबसे बड़ी इस बात इसमें थी कि ललन सिंह पर यह आरोप लगाए जा रहे थे, जेडीयू के भीतर घात ही हो रहा था कि ललन सिंह लालू यादव के साथ मिलकर के जेडीयू को तोड़ देंगे और जेडीयू के विधायक के साथ वो तेजस्वी को सीएम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बाद में ललन सिंह ने इस बात का खंडन भी किया था, और इसके बाद से ही नीतीश कुमार ने यह तय कर लिया था कि ललन सिंह को जेडीयू अध्यक्ष की कुर्सी से चलता करना है, और 4 दिन पहले यानी एग्जीक्यूटिव की बैठक से 4 दिन पहले ही उनसे उन्होंने
ऑनर्स रिजिग्नेशन ले लिया था और बाद में खुद ही अपने उन्होंने कमान संभाल ली थी, जिससे यह साबित हो गया था कि लालू यादव के साथ कंफर्ट के स्थिति में नीतीश कुमार नहीं है। नीतीश कुमार को जब ये पूरी तरह से लग गया कि लालू यादव, ललन सिंह और कुछ और ऐसे नेता हैं, क्या इंडिया गठबंधन के अंदर तवज्जो का जो मामला उठाया जा रहा था वो भी कोई मुद्दा था इस ब्रेकअवे में? बिल्कुल था। देखिए आपको बता दें कि 24 जून को जो पटना में पहली बैठक इंडी गठबंधन की हुई थी, उसमें नीतीश कुमार की ही वो मेहनत थी, कांग्रेस के साथ कोई जाने को तैयार नहीं थे। इवन ममता बनर्जी से लेकर के जो नवीन पटनायक तक नीतीश कुमार ने दौरा किया था और तमाम नेताओं को अपने साथ लाने की कोशिश की थी। बावजूद इसके इंडी गठबंधन पहली बैठक के बाद से दूसरी बैठक में जब नीतीश कुमार को इग्नोर कर दिया गया था, उसके बाद से ही नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया था और मन बनाने की उनकी आवाज शुरू हो गई थी कि उनको इंडी गठबंधन में नहीं रहना है। और आखिरकार उन्होंने ताबूत में अंतिम कील भी ठोक दी और इंडी गठबंधन को बिहार से उन्होंने साफ करने की कोशिश है। वो तस्वीर भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, लोगों को जलेबी खिला रहे हैं, बच्चों को जलेबी खिला रहे हैं इस समय नीतीश कुमार, और राजनीति की जलेबी भी वो बड़ी अच्छी बनाते हैं। ये जो बदलाव हुआ है, अगर इसकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं शीर्ष स्तर पर कोई ना कोई बात जरूर हुई होगी नीतीश कुमार की। आपके सूत्र क्या बता रहे हैं, क्या शीर्ष स्तर पर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ में किसी तरीके का कोई संवाद हुआ है जिस आश्वासन के बाद ये 28 तारीख का फॉर्मूला तय हुआ है? देखिए जो हमारे सोर्स कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के बीच में बात हुई है, कल दिन में भी बात हुई थी, उसके बाद से ही ये पूरी रणनीति बनाई गई और जेडीयू को बीजेपी में शामिल करने के लिए वो दरवाजे तक खोल दिए गए और अंततः यह भी फाइनल हो गया कि 28 तारीख की तारीख शपथ ग्रहण की तारीख की गई। मैं एक बार फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि 28 तारीख की जो तारीख जो तय की गई है शपथ ग्रहण के लिए, वो बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार के बीच में बातचीत के बाद ही हुई है। और आपको इसका अंदाजा तब लगा जब जीतन राम मांझी ने साफ तौर पर कह दिया कि बीजेपी के साथ वो है। लेकिन बड़ी खबर दर्शकों को बता दें जो इस समय बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी सामने आ रही है, जेडीयू ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द किए हैं और 28 जनवरी को जेडीयू का कार्यक्रम जो होने वाला था उसे रद्द किया जा रहा है। और साथ ही बिहार की सियासत में बड़ा बदलाव होने वाला है, पटना में एक बार फिर नीतीश कुमार यू टर्न लेते हुए नजर आएंगे। अब वो बीजेपी के साथ जा रहे हैं, एनडीए में शामिल हो रहे हैं, जेडीयू एनडीए में का हिस्सा बनेगी और साथ ही बीजेपी के दो डिप्टी सीएम बनने जा रहे हैं। बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं बीजेपी बिहार बीजेपी के, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी बैठक है। साथ ही पटना में जेडीयू और बीजेपी दोनों ने अपने अपने विधायकों को बुला लिया है। 28 तारीख को नीतीश कुमार का नया शपथ ग्रहण हो सकता है दीपक जी। 10 अगस्त 2022 को यह सरकार बनी थी, तब एनडीए को छोड़कर नीतीश कुमार उधर गए थे, आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी, एक बार फिर उन्होंने यू टर्न ले लिया। मैं देख रहे हैं जलेबी बांट रहे हो जी, वो भी जलेबी की तरह ही सोचते हैं, जलेबी बना देते हो, ऐसी जलेबी बनाते हैं कि किसी को समझना है। अब देखिए राहुल गांधी कल पश्चिम बंगाल घुसे, अलीद्वारपुर, ठीक है अलीद्वारपुर रविंद्र के पास जा रहे हैं, एक मिनट, अलीद्वारपुर राहुल गांधी पहुंचे, ममता चली गई, अब बिहार आने वाले 30 तारीख को राहुल गांधी, नीतीश बदल गए। अब मतलब किस तरह से ये जो जी ये बिल्कुल रविंद्र की भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं दीपक जी। हाँ, रविंद्र जरा ये बताइएगा कि आज बीजेपी की जो बैठक होने वाली है, सूत्रों के हवाले से अब तो खबर ये आ रही है कि अब तो शपथ ग्रहण की तारीख भी तय हो चुकी, यानी निश्चित रूप से दोनों के बीच में, बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के तौर के बीच में और नीतीश कुमार के बीच में कोई ना कोई डील हो चुकी है, फाइनल हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है इस मामले को लेकर? देखिए प्रणय और दीपक जी, जो आज की जगह पर मैं पहले कल के बता देता हूँ, कल रात में जब बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं को बिहार से बुलाया गया था, तो चूंकि गृह मंत्री अमित शाह खुद मोर्चा संभाले हुए, तो उस मोर्चे को उन्होंने पूरा पुख्ता करके रखा था। बिहार बीजेपी के नेता इसका विरोध कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा इसके पक्ष में नहीं थे, लेकिन जब सर्वे रखा गया उन लोगों के सामने, उनसे दो सटीक सवाल पूछे गए, क्या नीतीश कुमार के साथ जाने से फायदा है या नहीं है, और दूसरा सवाल कि क्या लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराया जाए। इस पर सबकी अलग अलग राय ली गई और यह राय बटी हुई थी, कोई इसके पक्ष में बहुत ज्यादा नहीं था, दोनों के पक्ष में नहीं था। ऐसे में सर्वे रखा गया वहां पर, उन सब के सामने सर्वे रखा गया जो हमें जानकारी मिल रही है कि अगर हम अकेले चुनाव लड़ते हैं और वह महागठबंधन होता है तो इसका फायदा बहुत ज्यादा हमें नहीं मिलेगा। जो टारगेट हमारा है 400 प्लस हो या 350 प्लस हो या फिर 40 प्लस 40 का जो टारगेट है, यह पूरा नहीं हो रहा है और वोट बैंक भी हमारे पक्ष में उतना नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम नीतीश कुमार के साथ आते हैं तो महादलित गैर यादव जितने वोट है गैर मुस्लिम वो हमारे साथ आ जाएगा। बिल्कुल मैं लौटूंगा आपके पास में, लेकिन न्यूज रूम में से मेरे सहयोगी विशाल पांडे भी जुड़ गए हैं।
विशाल जरा ये बताइएगा कि इस समय ये जो तस्वीर सामने आ रही है इसके अंदर क्या माना जाए कि अगर चुनावी समीकरणों के लिहाज से ही यह फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को भी यह लग रहा था कि बिहार जहां 40 लोकसभा की सीटें हैं वहां पर नीतीश के साथ जाना ही फायदे का सौदा है, अगर उसके बिना जाते हैं तो नुकसान हो सकता है। देखिए प्रणय, बिल्कुल, क्योंकि बिहार जैसे राज्य में बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती थी और लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी अब यहां पर एक बार फिर से नीतीश कुमार को साथ लेने के लिए तैयार दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात यहां पर टाइमिंग की है, क्योंकि जब से राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू हुई है उससे उसी समय मिलिंद देवड़ा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाते हैं, उसके बाद जब पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की यात्रा आने वाली होती है तो ममता बनर्जी ऐलान कर देती है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, और उसके बाद जब बिहार की तरफ यात्रा राहुल गांधी की आने वाली है उससे पहले अब नीतीश कुमार जो कि इंडिया गठबंधन के लिए पूरी तरह से प्रयास कर रहे थे, इंडिया गठबंधन को बनाने का जोड़ने का प्रयास कर रहे थे, अब वही इंडिया गठबंधन से अलग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जो इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक दल थे वो कहीं ना कहीं अब इससे दूर होते नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल भी अभी तक इस पूरी तरह से साफ नहीं कि पंजाब में क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, उत्तर प्रदेश की बात करें तो एसपी का भी अभी तक कुछ क्लियर नहीं है कांग्रेस के साथ में। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जब इससे अलग होंगे तो इंडिया गठबंधन के भविष्य पर पूरी तरह से यहां आगे चलकर संकट दिखाई दे रहा है, लेकिन बिहार में बीजेपी को बड़ा फायदा इससे जरूर दिखाई देगा। ठीक है, मैं रविंद से बात चलता हूं। उसकी तरह रविंद मुझे बताइए कल रात की कहानी, आपने बताया कि सर्वे दिखाया गया, सर्वे दिखाकर यह कहा गया कि हम कंफर्टेबल पोजीशन नहीं है, जो हमारा टारगेट है वो मैच नहीं कर रहा, और मेरे ख्याल से ये जो सर्वे दिखाए गए हैं उसके दिखाने के बाद बीजेपी के नेताओं ने क्या कहा, क्यों वो तुरंत चुनाव में नहीं जाना चाहते हैं? देखिए दोनों जो जानकारी मिल रही है सर्वे दिखाने के बाद सभी नेताओं को फिर राय ली गई कि ये सर्वे जो कह रहा है इस पर आपका क्या कहना है। तो जाहिर सी बात है जब गृहमंत्री अमित शाह सब कुछ लेकर बैठे थे, पूरे पोथी पत्र कहा जाता ना वो लेकर बैठे थे, तो ऐसे में चाहे सम्राट चौधरी हो, रेणु कुमारी हो या फिर दूसरे नेता हो, विजय सिन्हा हो या फिर तमाम बड़े नेता, उन सबकी राय बदल गई वहां पर और ये कहा गया कि जो आला कमान का फैसला होगा वो उन्हें मंजूर है, और इसी कारण से ये फैसला हुआ कि कल पटना में बीजेपी बिहार की कार्य समिति की बैठक होगी। यानी जो फैसला केंद्र सरकार केंद्रीय नेतृत्व ने लिया है अब उसको नीचे तक पहुंचाने की कोशिश की जाए, और इसलिए बड़ी बैठक कल पटना में होने की संभावना जताई जा रही है जिसमें तमाम बड़े नेता वहां पर मौजूद होंगे, छोटे बड़े नेता, और उनको बताया जाएगा किन परिस्थितियों में और किस हालात में यह फैसला लिया गया है नीतीश कुमार के साथ जाने के। एक बात और है, इसमें बीजेपी को कुछ झुकना ही पड़ा है और झुकने के पीछे भी यह कारण रहा है। झुकना क्यों पड़ा है कि नीतीश, जो जानकारी मिली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे, विधानसभा लोकसभा चुनाव नहीं एक साथ हो रहे हैं, और झुकने के पीछे यही कारण है कि राहुल गांधी की नैया पार न लग पाए। रविंद्र अपनी बात जारी रखिएगा, लेकिन आज की तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये आज की तस्वीरें हैं, तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देखिए बॉडी लैंग्वेज में तेजस्वी कितने अनकंफर्टेबल है, नीतीश कितने अनकंफर्टेबल है, तेजस्वी को बिना कहे नीतीश कुमार आगे बढ़ गए, अपनी गाड़ी के अंदर बैठ गए, तेजस्वी अभी पीछे हैं। जनरली होता है कि बड़ा नेता होता है तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जब जाते हैं तो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, वो भी उन्होंने नहीं किया, और कितनी अनकंफर्टेबल बॉडी लैंग्वेज थी, ना नीतीश तेजस्वी की तरफ देख रहे थे। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं। कल की कैबिनेट की जो मीटिंग हुई थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण थी, केवल 15 मिनट की मीटिंग बताई जा रही है, उसमें तेजस्वी यादव जो कि डिप्टी सीएम है उनके और नीतीश कुमार के बीच में कोई संवाद नहीं हुआ, कोई बातचीत नहीं। और यहाँ पे देखिए बॉडी लैंग्वेज चेंज है, मतलब बिहार में कुछ होने वाला है। लेकिन दीपक जी आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जो बदलाव है बिहार के अंदर ये प्रधानमंत्री के संकेत पर ही हुआ होगा कि हाँ। बीजेपी के ये जो बदलाव है इस बदलाव के लिए कहीं ना कहीं उन्होंने कहा होगा, क्योंकि अमित शाह खुद कह चुके हैं, बीजेपी के तमाम नेता कह चुके हैं कि एनडीए के अंदर कोई जगह नहीं नीतीश कुमार के लिए, लेकिन ये यू टर्न लेने का जो वीटो पावर है ये उन्हीं के पास। मैं दो अलग अलग चीजें बताता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे पहली बात, अब ये चाहते हैं कि ये 405 जाए तो, और दूसरा ये जताना चाहते थे कि तुम्हारा इंडिया विंडिया कुछ नहीं है, ये सब फालतू की चीज है जो आपने करा, देखिए जो आदमी बना रहा था वो चल के हमारे साथ आ गया, तो ये एक बड़ा नैरेटिव है। देखिए आपका सबसे बड़ा मोरल तोड़ने की कोशिश, मोरल तोड़ने की कोशिश क्या, तोड़ दिया है, एक हद तक तोड़ दिया है। अब राहुल गांधी यात्रा पे निकले, मिलिंद देवड़ा निकल के जो है बाहर,
मेरे देवड़ा और राहुल गांधी पर्सनल दोस्त हैं, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। इनफैक्ट राहुल गांधी ने जो पहला बिजनेस शुरू किया था वो मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल देता हूँ, मेरे देवड़ा के साथ शुरू किया था, उनके साथ वो दोनों काम करते थे। और बाद में जो है मिलिंद निकल गए, मिलिंद के निकलने के बाद आपने देखा वो पश्चिम बंगाल जाने लगे, ममता निकल गई, आप निकल गई, अब देखो कैसे कन्विंस किया है। बिल्कुल, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं दीपक जी, ये जो गांधी मैदान की तस्वीरें हैं, आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम था और वहां पर ये भी खबर सामने आ चुकी है आपकी, 28 जनवरी को शपथ ग्रहण होगा, बीजेपी के दो डिप्टी सीएम होंगे, नीतीश एनडीए का दामन थामने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक नहीं ले रहे हैं प्रणय, अभी ब्रेक हमको लेना पड़ेगा, नीतीश कुमार जी काम करवाएंगे हमसे आज। हाँ बिल्कुल, नीतीश कुमार जी जो है वो काम कर पा रहे हैं और ब्रेक उन्होंने भी ले लिया है, अब महागठबंधन से ब्रेक लेके वो इधर अपना प्लग लगा रहे हैं।